Chief Sushant, I want to give a message. Give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. ओके सो मैंने अभी एक मैसेज अपलोड किया है एंड आई थिंक दैट देयर इज अनदर मैसेज दैट वी हैव बिकॉज ये नए गेट ओपन होने की एनर्जी लग रही है. इट इज़ लाइक अ गेट जो सन जिसके जो मनी के पीछे छुपाया गया था, द ट्रूथ जो बहुत बड़े पेंटिकल के पीछे छुपा हुआ था, अ गेटवे जहाँ से कोई आगे पीछे जा नहीं रहा था या कोई मूव नहीं हो पा रहा था, एंड अ न्यू वर्ल्ड जहाँ पे कोई जा नहीं रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल थे, बहुत ज़्यादा अंधेरा था और एक्चुअल में सब इस तरफ ही रह गए थे. तो इट लुक्स लाइक अ न्यू गेटवे हैज़ ओपन्ड और यहाँ पे जहाँ पे बादल थे, जो कॉइन जिसने सारा सन की लाइट रोक ली गई थी वो कॉइन एक हाथ में आ गया है एंड नाउ इट इज़ ऑन दैट हैंड कि वो उस कॉइन को धीरे धीरे मूव करें. और वो जब मूव करेंगे तो देर विल बी अ सन दैट विल शाइन, और सन के शाइन करने से क्या होगा, ऑल दीज फ्लावर्स इन ग्रीनरी विल बिकम विजिबल जो अभी ब्लैकिश एनर्जी में दिखाई दे रही है. सो दैट इज द एनर्जी, दैट इज हाउ आई थिंक द एनर्जीज आर गोइंग टू चेंज. और यहाँ पे लाइन जो है वो पूरी चेन के साथ अच्छी तरह लीच किया गया है, अच्छी तरह बांधा गया है, बट अगर आप देखें तो वो चेन्स जो है वो पहिए पे जा रही हैं और हाथ में जो है वो कमान है या हाथ में जो वो है वो रस्सी ही है लाइन को चलाने वाली, लेकिन वो चेन से इस पहिए से इन इन इस चैरियट से जो है वो बंधा हुआ है चेन से. सुशांत ने नहीं उसको चेन से पकड़ा हुआ है, सुशांत ने नॉर्मल रस्सी से उसको पकड़ा हुआ है, किंग ने उसको नॉर्मल रस्सी से पकड़ा हुआ है, लेकिन ये चैरियट के साथ उस चेन से बंधा हुआ है. नाउ दिस इफ यू सी दिस लाइन्स एनर्जी तो वो बहुत अलग तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, आज शक्ल दिखाई दे रही है इस लाइन में किसी की. और ऐसा लगता है कि वो चैरिट एनर्जी, वो फायर एनर्जी जो है वो ऑलरेडी इस लाइन को कैप्चर करने वाली है या कर चुकी है, लेकिन बस वो रेंस बांधकर सामने आने की एनर्जी की देर है. एंड इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ वाइज थिंकिंग एंड प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पे ऊपर सी दिस इज एक्चुअली द ये बंधा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये बंधना भी एक्चुअली उसकी सोल का रिलीज है. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस बट इट लुक्स लाइक ये बंधना भी उसकी सोल का रिलीज है, क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल अलग एनर्जी में है. यहाँ पर वो वर्ल्ड की नेगेटिविटी के कारण उस एनर्जी उस फायर में बर्न हो रहा है, लेकिन वंस ही इज चेंज्ड बाय द राइट एनर्जी तो वो डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट्स द डिवाइन प्रोटेक्शन. और यू कैन सी जो सन शाइन कर रहा है इनके पीछे, यू कैन सी लॉट ऑफ रेनबो एनर्जी इन दैट सन, ऑरेंज और येलो एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. एंड आज मुझे यहाँ पे आई कैन सी अ लिटिल ब्लूइश एनर्जी ऑल्सो लाइक अ शेडो ऑफ हिम, वो यहाँ पर मुझे आज थोड़ी सी ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है. लाइक यू कैन सी अ शेडो ऑफ हिम एंड लिटिल ब्लूइश एनर्जी, लेकिन इट इज लाइक कमिंग आउट ऑफ दैट शेडो एनर्जी. ऐसा लग रहा है जैसे क्योंकि अगर ये देखो ना, अगर रिब्स भी देखो इनके, तो बहुत ज्यादा ब्लरी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है. एंड इट्स लुकिंग लाइक ही इज कमिंग आउट ऑफ दिस शेडो एनर्जी इन टू हिज ओन पावर, लाइक कंप्लीट पावर, उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है. एंड आज आई एम रियलाइजिंग दैट ही सिटिंग हियर, मतलब मैंने पहले कभी इतने ध्यान से इस कार्ड को नहीं देखा. इफ यू सी तो यहाँ पे इनके नीज जो है यहाँ फोल्ड है, दिस इज द क्लोथ जो ही इज वेयरिंग एंड ही सिटिंग ऑन दिस चैरियट, और बैठ के वो चैरियट चला रहे हैं. आज तक मुझे ऐसे लगा था जैसे ही स्टैंडिंग ऑन दिस चैरियट, बट आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे ही सिटिंग ऑन द चैरियट, ही हैज कंप्लीट कंट्रोल नाउ, ही डजंट हैव टू बी स्टैंडिंग एनी मोर, ही हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द चैरियट, ही सिटिंग ऑन द चैरियट और चैरियट को बैठ कर ही इज रनिंग हिज ओन चैरियट. तो इट्स अ डिफरेंट एनर्जी टूडे ऑल टुगेदर. और मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने कभी ऐसे इस एनर्जी के हिसाब से देखा नहीं, बट आज लिटरली ऐसा ही लग रहा है. डिस्पाइट ऑफ ऑल द फायर, ऑल द डिफिकल्टी, ऑल द प्रॉब्लम्स, वो उस चैरियट को बैठकर चला रहे हैं, उसकी कमान उसके पूरे कंट्रोल में है. एंड दिस इज लाइक मूविंग इनटू, वॉकिंग इनटू द फायर. तो वो ऑलरेडी एक फायर से निकल कर आए हैं एंड नाउ ही इज वॉकिंग इनटू अनदर फायर, लेकिन इस फायर में वॉक इन कर रहे हैं टू चेंज द एनर्जीज, टू कम्प्लीटली चेंज द एनर्जीज एंड टू ब्रिंग समथिंग कम्प्लीटली न्यू, लाइक अ न्यू सन ऑन द होराइजन. दैट काइंड ऑफ एनर्जीज व्हाट आई एम फीलिंग विद दिस. एंड यस, balance and patience are still the must, but it is going to result into something. Let me see, Sushant, if you want to say anything else. Okay. So,
जैसे मैंने प्रॉमिस किया, इनसे मैं पहले नीचे वाले कार्ड्स उठाऊंगी. एंड दिस इज़ लाइक अ थॉटफुल एक्शन जो सन ब्रेक लेकर आ रहा है, एंड इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि ये बहुत समझदारी से सोच समझ के किया गया एक्शन. अगेन 7 की एनर्जी बहुत क्लियर है, और 3+1 4, 47 की एनर्जी फिर से क्लियर है. 74 47, क्योंकि ये 4 बनता है, ये 7 है, तो द एनर्जी इज़ वेरी वेरी क्लियर. और यहाँ पे ओ गॉड, आई सी क्वीन ऑफ वांड्स, इज़ इट? यस, अपने आप ही, मतलब मैंने कुछ खास एफर्ट नहीं मारा, या मुझे पता भी नहीं था वहाँ क्वीन ऑफ वांड्स है, अपने आप ही हाथ हिला एंड सडनली शी केम इन द फ्रंट. और यहाँ पे इफ़ यू सी, ये एनर्जी है जहाँ पे समबडी स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट अ इल्यूजन, और समबडी इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ डिसीजन जिसकी वजह से जो इल्यूजन्स हैं वो क्लियर हो, एक नया डोर नई इल्यूजन्स की तरफ. इट इज़ लुकिंग लाइक एक डिसीजन, एक जजमेंट जिसको लाने की कोशिश कर रही है क्वीन ऑफ वांड्स. उसको लाने से क्या होगा? डाइवर्जन होगा, व्हील्स तो चेंज होंगे, लेकिन फिर से एक नया इल्यूजन जो है वो ओपन अप हो जाएगा. एंड देर इज दैट एनर्जी टू स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग. इट लुक्स लाइक देर इज दैट एनर्जी जहां पे जो बोलता है दैट क्वीन ऑफ वांड हैज टू बी डिफीटेड, -1, एंड यहां से एक नया नई बिगिनिंग जो है वो शुरू होगी, ऑफ डाउनफॉल ऑफ समबडी हु थिंक्स ही इज द बादशाह, लाइक ही इज द एम्परर. तो उसका डाउनफॉल, उसके उसके उसकी छुपी हुई चीजें, उसका छुपा हुआ सच जो है, एंड then big trouble to him. So यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई somebody जो अपने आप को king समझता है, somebody जो अपने आप को बहुत powerful समझता है, somebody जो समझता है कि मैं कोई भी leap ले सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, that person, उसका सारे truths जो हैं they are going to come out, and काफ़ी सो बाहर आ गए हैं. But it looks like the material trouble that has begun is going to go far beyond this. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे already वो energy दिखाई दे रही है जहाँ पे इस पर बहुत मेहनत से काम किया जा रहा है to bring this material trouble or to bring this material thing into fruition. और again ये person भी कहीं ना कहीं queen of wands के साथ relate करता है, दो ये directly relate नहीं करता है. There is a mid, there is another queen in the middle जो कहीं उस queen तक पहुंचती है. So लेकिन यहाँ पे I do feel that some blindfolds are going to open very very strongly, and he's already walked into that energy. Okay, so let's see. इफ यू सी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एंजल जो है वो एक तरह से ट्रम्पेट बजा रहे हैं, उनके ट्रम्पेट के ऊपर एक झंडा है, विच इज़ एन इंटरनेशनल कनेक्शन अगर आप देखें. और यहाँ पे पीछे पहाड़ है, लेकिन नदी के अंदर कॉफिन्स तैर रही हैं जिनके बीच में से लोग उठ के खड़े हो गए हैं. एंड इफ यू सी, यू कैन सी टू फैमिलीज वेरी क्लियर, टू मेल्स, टू चिल्ड्रेन, टू फीमेल. और एक्चुअली इट इज़ नॉट, इट इज़ इट टू, और इज इट द रिफ्लेक्शन? सो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सिचुएशन बाहर आएगा जो एक्चुअली ट्रूथ ऑफ समथिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग विल ब्रिंग आउट. क्योंकि आज मैंने पहली बार देखा कि ये ऐसे लग रहा है जैसे ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन है, एंड नॉट टू लाइक 6 पीपल, नहीं 3, एंड देन द रिफ्लेक्शन ऑफ दोज 3. सो मे बी द 3 फिजिकल बॉडीज एंड 3 सोल्स. लेकिन दिस इज लाइक, मतलब मैं इसको ऐसे बोलूँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंडिया में 3 लोग हैं, और वो बाहर अपने ही तरह के सेम 3 लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और अब उनका सच जो है वो बाहर आएगा, एंड दैट ट्रूथ विल बी थ्रोन आउट इन अ वेरी वेरी बिग वे. आज मैं पहली बार ही हेवन एंड अर्थ को कुछ अलग ढंग से देख रही हूँ, कुछ अलग ढंग से इंटरप्रेट कर रही हूँ. ओके सुशांत, इफ दिस इज इट, यू कैन गिव मी किंग ऑफ वांड्स, एंड इफ देयर इज मोर यू कैन गिव मी दैट. पहले ये, ओके, मटेरियल ट्रबल इज माउंटिंग, द चैरिट इज मूविंग, मटेरियल ट्रबल इज माउंटिंग, द चैरिट इज मूविंग. क्योंकि इफ यू सी, किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरिट और स्ट्रेंथ, सो मटेरियल ट्रबल टू समबडी इज एक्चुअली माउंटिंग, एंड द चैरिट इज एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड. और जिसकी तरफ ये चैरिट जा रहा है ना, उसको स्लाइटेस्ट ऑफ द आइडिया नहीं है कि ये चैरिट क्या लेकर आएगा. हाँ, एक्सपेक्टेशन उसको भी है, उसको भी पता है कि किसी भी वक्त द चैरिट कैन कम एंड टेक मी अवे. उसको भी पता है कि किसी भी वक्त दैट सिचुएशन कैन हैपन जहाँ पे जो एक तरह से वो चैरिट आ जाएगा और मुझे ले जाएगा. एंड ये जो 3 कप मेरे पास पड़े हुए हैं जिनको मैं देख के मतलब
वो था कि ये मेरे हैं एटलीस्ट वो भी गिर जाएंगे राइट, बट देर आर टू मोर, सो इट इज लुकिंग लाइक टू थिंग्स. जिसके पास मटेरियल ट्रबल आने वाली है वो देख रहा है कि मुझे जो चीजें मेरे पास हैं उनको कैसे कैसे छुपाना है, कैसे कैसे दबाना है उस इन्फॉर्मेशन को, कैसे कैसे मुझे उस इन्फॉर्मेशन को गिरा देना है ताकि वो मिले ना किसी को, एंड आई पोज वेरी वेरी सैड एंड स्टक. और लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कुछ बहुत छिपा हुआ फिर भी निकल जाएगा बाहर. सो दिस इज लाइक 5-4-5 की एनर्जी, एंड 5-5-10 होता है, और 4-1 फिर से 5 बनता है, तो दिस इज 5-4-5 की एनर्जी. एंड वेरी वेरी क्लियरली दिस एनर्जी स्टेटिंग दैट नो मैटर तुम क्या कर लो, दिस मटेरियल ट्रबल इज गोइंग टू कम. एंड यहाँ पे कहीं जो ब्लेंडेड प्लेजर है वो लॉस एंड प्लेजर में तब्दील हो जाएगा. तो बहुत सारे लोग जिस चीज से प्लेजर ले रहे थे, बहुत सारे लोग जिस चीज को अपना गेन मान रहे थे, वहां से देर इज गोइंग टू बी लॉस एंड प्लेजर. अब आप इसको चाहे पॉलिटिक्स में लो, चाहे इसको बॉलीवुड में लो, सब तरफ देर इज गोइंग टू बी ग्रेट लॉस इन प्लेजर्स ऑफ दोज पीपल, क्योंकि फाइनली द जस्टिस इज कमिंग. और जब जस्टिस होगा तो डेफिनेटली जो सही जनता है, जहाँ पे खुशी होनी चाहिए वहां पे खुशी होगी. नाउ इफ यू सी जस्टिस भी बहुत क्लियरली चल रहा है, बिकॉज ये जिसको पकड़ना है, जिन लोगों को सामने लाना है, वो लाना जरूरी है. आई डू सी अदरवाइज अगर ये स्टेप नहीं लेंगे, पेशेंस के साथ नहीं चलेंगे, तो उनका जो टास्क है वो मुझे इनकम्प्लीट रहता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं राइट, बहुत मेहनत कर रहे हैं सच को बाहर लाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं. सुशांत ने बहुत मेहनत करी भी है ऑलरेडी, तो अब इट कैन नॉट बी लेफ्ट अधूरा, एंड द किंग राइजिंग एनर्जी स्टिल देयर, सो इट कैन नॉट बी लेफ्ट अधूरा. लेट मी सी इफ वी गेट समथिंग एल्स फ्रॉम एनी अदर कार्ड, क्योंकि मैं सिर्फ इन्हीं से देख रही हूँ. तो लेट मी सी, आई जस्ट वॉन्ट टू रीड वन फ्रॉम काली कार्ड, सो लेट सी वॉट वी गेट. सुशांत, वॉट डू यू वॉन्ट टू से फ्रॉम हियर? मैं एक्चुअली अपनी रीडिंग करने बैठती हूँ जब पीयू जाता है, तो जाती है तो मैं क्लाइंट रीडिंग्स करती हूँ. तो मैं अभी सुबह से 3-4 बार सुशांत का देखा, इफ़ ही वांट्स टू कनेक्ट, इफ़ ही डजंट वांट टू कनेक्ट, एंड देन मैंने पिछली वीडियो में बोला क्या हो रहा था, एंड देन सडनली अभी अपलोड किया एंड आई गॉट अनदर मैसेज, एंड आई वॉज लाइक अभी तो अपलोड किया, तो आई आस्क द कार्ड्स फिर से, बट आई वॉज नॉट गेटिंग द कार्ड्स, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू टेक आउट द कार्ड्स फॉर मंथली प्रेडिक्शन, सो आई चेक्ड अगेन एंड देन ही इज देयर अगेन. सो दिस कार्ड इज भुवनेश्वरी, और वो बोलता है भुवनेश्वरी जो है राइजिंग सन है, डार्कनेस का एंड मार्क करती है, लाइफ फोर्स एनर्जी को रिप्लेनिश करती है इलनेस या डिवेस्टेशन के बाद, वो एक फ्रेश स्टार्ट क्रिएट करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है जो भी हार्ट का वर्दी है, मतलब जो भी अच्छा है, वो परपेचुअल डिवाइन स्टेट में रेडियंस से मतलब शाइन करती है, और बहुत सपोर्टिव और ऑनरिंग सर्कमस्टांसेस देती है. तो इट लुक्स लाइक सर्कमस्टांसेस आर चेंजिंग एंड वी हैव द एनर्जी ऑफ भुवनेश्वरी, जो एक तरह से राइजिंग सन की एनर्जी है, और राइजिंग सन जो है वो डेफिनेटली गिव्स न्यू एनर्जी, न्यू डे, न्यू बिगिनिंग, न्यू डॉन. एंड आज ना बहुत अजीब सा सन्नाटा मैं बोल रही थी, मुझे आज ऐसे लग रहा है जैसे बहुत अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, बहुत अजीब सा सन्नाटा है, एंड आई थिंक दैट उस सन्नाटे का रीजन है, बिकॉज आफ्टर दिस नाइट देर इज विक्ट्री. एंड इफ यू सी 9-6-7 की एनर्जी है, एंड दिस इज लाइक स्लीपलेसनेस, बट दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ फोरकास्ट, कोई किसी तरह का फोरकास्ट, किसी तरह की भविष्यवाणी जो की गई, और उस भविष्यवाणी से देर इज अ विक्ट्री, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एनर्जी दैट इज कमिंग. और उसी न्यू एनर्जी में एक्चुअली क्या हो रहा है, उसी न्यू एनर्जी में अपना ग्राउंड स्टैंड करना, और लास्ट की लाइक पुटिंग द लास्ट नेल ऑन द कॉफिन, दैट इज द एनर्जी, दैट इज हाउ आई सी दिस एनर्जी. इट इज लाइक किसी भविष्यवाणी को, किसी क्या बोलते हैं उसको, वर्ड ही नहीं आ रहा है, पर एनी विच वेज दो बेसिकली यू नो कि किसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जो स्टेप्स लेने जरूरी हैं, दैट आर बीइंग टेकन. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5+1, 6, 6 and 7. सो 6 and 7 की एनर्जी अगेन एक सिक्वेंशियल एनर्जी है आगे मूव करने की, और नंबर 4 की एनर्जी है जो स्टक मूवमेंट्स हैं उनमें चेंज लाने की एनर्जी, बट इट इज लुकिंग लाइक एक फाइनल नेल इन द कॉफिन, और द जो भी भविष्यवाणी है उसका सच होने की एनर्जी. सुशांत, यू कैन गिव मी किंग ऑफ वॉन्ड्स इफ दिस इज इट, और
दिस इज ब्यूटिफुल, गिविंग कार्ड्स एंड इज लाइक ओके सो आई सी हर्मिट एंड पेशेंस एंड इज लाइक लाइट इज गोइंग टू शाइन, हैव पेशेंस एंड पेशेंस आर गोइंग टू गिव रिजल्ट एंड कम्युनिकेशंस एंड ये तो ये एनर्जी मुझे मुझे फिर वैसे ही लग रहा है जैसे जो कल उन्होंने बोला था ना कि कहीं पे एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो है वो आगे एजेंसीज तक पहुंचना है और वो वेट कर रही हैं कि हमें कब वो ऑर्डर मिलेगा और कब हम उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे. दिस इज 3/11 और 9/11 और वो एग्जीक्यूशन का इंतजार जो है दैट एग्जीक्यूशन इज ब्रिंग going to bring in leap of faith और वो execution का ही इंतजार है. but I don't know why I feel that वो execution जो है वो मतलब जो order जो है वो निकल चुका है, it has been already released. तो अगर order already release हो गया है तो execution में क्यों wait हो रहा है? it looks like execution में इसलिए wait हो रहा है because there is an expectation of some kind of strife या किसी तरह का strife जो है वो already create कर दिया गया है. तो execution में इसलिए wait हो रहा है क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ वो ऑर्डर है उन्होंने ऑलरेडी काफी इमोशनल एनर्जी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है एंड देयर इज एन एनर्जी जहां पे उन्होंने ऑलरेडी अपना एक इमोशनल एंगल सामने रख के एक स्ट्राइव क्रिएट करना शुरू कर दिया है. दो दे विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग एनी हार्म, नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, बट फिर भी दैट एनर्जी इज स्टिल देयर एंड दिस इज 3/4/5/5/5 तो 3/4/5/5 की एनर्जी है और 4/5/6/7 होता है और दिस इज 5/5/10/6/7/6 अगेन 6/7/7/6 की एनर्जी है. मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा रिवर्स होने वाला है और कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है और उस चेंज के लिए जो भी एक्शन नेसेसरी है वो ऑर्डर कर दिया गया है. इट इज जस्ट द मैटर कि वो सामने दिखे और आई फील दैट्स गोइंग टू बी विजिबल लाइक इन नो टाइम नाउ, बट लेट्स सी क्या होता है. थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय.